नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनआर न्यूज भारत चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार नितिन मणिया। दोस्तों, निर्मल लाइफस्टाइल निर्मल ग्रुप, इस नाम से तो आप सभी पूर्व विश्व भर में परिचित होंगे। एक समय में बहुत ही प्रख्यात नाम था, लेकिन आज ये नाम जो है कुख्यात हो गया है। दोस्तों, निर्मल लाइफस्टाइल निर्मल ग्रुप का जो डिस्कवरी ऑफिसेस का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कई सारे ऑफिस बनने वाले थे, 2009 में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ, आज तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा है, जिसके परचेसर इन्वेस्टर कई जगह पे जाके कंप्लेन की है। और आज वे सारे इन्वेस्टर परचेसर हमारे साथ जुड़े हैं हमारी चैनल पर। बारी बारी सबसे बात करेंगे, पूरी माहिती लेंगे उनसे कि क्या है ये पूरा मांजरा और क्या ठोस कदम इन लोगों ने उठाए हैं बिल्डर विकासक निर्मल ग्रुप निर्मल लाइफस्टाइल के खिलाफ, जिसके सर्वे सर्वा है धर्मेश सरदारमल जैन, राजीव सुरेश जैन, पूजा जैन, महक धर्मेश जैन और सीनियर मैनेजर चंद्रकांत शाह और स्टेट मैनेजर वैभव पाटिल। इन सभी के खिलाफ इन लोगों ने हर डिपार्टमेंट में शिकायत की है। पूरी डिटेल लेंगे इनसे। शुरू करते हैं आज के विषय से। ये जो डिस्कवरी प्रोजेक्ट जो है, ऑफिस का प्रोजेक्ट, ये सारे इन्वेस्टर हमारे पास आए हैं, इनसे तो मैं आपको बात कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये डिस्कवरी प्रोजेक्ट का आपको ब्रीफ देता हूँ। उसका पूरा अभ्यास किया है मैंने, सारे ब्रोशर वगैरह पड़े हैं और इन्वेस्टरों से भी बात की है, उससे पता चला है। तो दोस्तों, जैसे कि निर्मल लाइफस्टाइल धर्मेश जैन ने जो उस समय एडवर्टाइज की थी, ब्रोशर्स बनाए थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए थे, उसके हिसाब से ये डिस्कवरी प्रोजेक्ट जो है, निर्मल लाइफस्टाइल जो मॉल है, जहाँ पे शॉपर स्टॉप था, मैकडॉनल्ड था, उसके बाजू में बिजनेस पार्क था और बिजनेस पार्क के बाजू में ही भांडुप की तरफ पार्किंग लॉट था, जहाँ पे हम निर्मल लाइफस्टाइल जाते थे, तभी हम पार्किंग किया करते थे अपनी कार और बाइक। वो जो प्लॉट है, उस प्लॉट पे ये डिस्कवरी प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया। दोस्तों, निर्मल लाइफस्टाइल के ब्रोशर और एडवर्टाइज के हिसाब से ये डिस्कवरी प्रोजेक्ट में ग्राउंड से लेके 11 माले तक सिर्फ पार्किंग था और 12वें माले पे गार्डन, क्लब हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह यहाँ पे था, जिसमें स्पा और सौना भी था। और 14 माले से 42 माले यानी 14th फ्लोर से 42 फ्लोर तक ऑफिसेज होने वाले थे। हर फ्लोर पे 26,000 स्क्वायर फीट की ऑफिसेज अलग अलग साइज की होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आज जो हम ये ढांचा देख रहे हैं पीछे, ये 9 माला पार्किंग, 10वां माला क्लब हाउस और 8 माला ही ऑफिस के बन पाए हैं, वो भी सिर्फ हड़ पिंजर है, वो भी सिर्फ पिलर खड़े और कुछ यहाँ हुआ नहीं है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा बताया गया था कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ कांच की दीवारें होगी, फुल सनलाइट होगा और रात को बिजली जलाने के लिए सोलर सिस्टम होगा, आपको लाइट बिल भरना ही नहीं पड़ेगा, पूरा सोलर सिस्टम से ये चलेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, बढ़िया से बढ़िया फ्लोरिंग, बढ़िया से बढ़िया फिटिंग वगैरह देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ तो सिर्फ पिलर खड़े हैं। दोस्तों, 2009 में शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट आज 2024 आ गया, 15 साल हो गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा ही पड़ा है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी पूरा वर्णन किया, उसमें आपने कुछ मार्क किया, जाहिरात और ब्रोशर में लिखा है 11 माला पार्किंग, लेकिन अभी बने हैं 9 माला पार्किंग, यानी 2 माला पार्किंग खा गए। क्लब हाउस और बाकी सब जो है वो 2 माले पे होना था, 12 माला और 13 माला, जो अभी सिर्फ 10वें माले पे, यानी 10वें माले पे होने वाला है, और 8 माला ऑफिसेज के लिए जो ढांचा बना हुआ है। और कई लोगों ने तो इसमें 22वें मजले, 23वें मजले, 30वें मजले पर बुकिंग किया था, जो तो हवा में लटक रहा है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की निर्मल लाइफस्टाइल ग्रुप ने पूरे विश्व में जाहिरात की थी, पूरे विश्व के न्यूज़पेपर चैनल जहाँ जहाँ मिले वहाँ एडवर्टाइज किया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस प्रोजेक्ट में लिया था, यानी फॉरेन की कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, NRI लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। जो लोग विदेश में अपना व्यापार करते हैं, जैसे कि दुबई है, लंदन है, अफ्रीका है, जर्मनी है, अमेरिका है,
ऐसे देशों से अपने जो भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं उन लोगों ने सोचा था कि ये बम्बई में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ हमारी ब्रांच ऑफिस कर सकते हैं या हेड ऑफिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज तो अभी तक उनको 15 साल में जगह मिली ही नहीं। कई लोगों को तो दूसरी जगह भाड़े पे ऑफिस लेके अपना ऑफिस चलाना पड़ रहा है, पूरा प्लानिंग ही चौपट हो गया और जेब से खर्चा ही होते जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट में 100% पैसा भर दिया है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में 580 ऑफिसेज होने वाले थे, जिसमें से 220 इन्वेस्टरों ने ऑफिस परचेस किया है। किसी ने 40%, किसी ने 70%, किसी ने 100% पैसा दे दिया। इन सब का इन्वेस्टमेंट का हम अगर कैलकुलेशन करें तो 100 करोड़ रुपया होता है। फिर भी जब ये इन्वेस्टर रेरा में गए शिकायत करने, तब धर्मेश जैन कहता है कि और 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा तब वो बिल्डिंग खड़ी कर पाएगा। दोस्तों लोगों ने तो बुकिंग किया है 2009 के मार्केट रेट से, और 2009 में बिल्डिंग मटेरियल भी जो है वो सस्ता था, जो आज 4 गुना या 10 गुना कीमत हो गई है मटेरियल की। और दोस्तों 2009 में भी जो धर्मेश जैन ने बुकिंग किया ना, वो सामने रोनवाल के प्रोजेक्ट से 3 गुना ज्यादा भाव से बुकिंग किया, और लोगों को बुकिंग के लिए लुभाने के लिए क्या क्या वायदे किए। ये डिस्कवरी प्रोजेक्ट के सामने ही धर्मेश जैन खुद 5-7 star होटल बना रहा था, वो भी प्रोजेक्ट तो बंद पड़ा है, वो भी तो हार्ड पिंजर खड़ा है, सिर्फ लोखंड के पिलर खड़े हैं। आते जाते आप वो 5 star होटल भी देख सकते हैं, जो अभी अभी डिमोलिश करने का भी चालू किया लेकिन डिमोलिश नहीं हो रहा है। और दोस्तों लुभाने के लिए ये भी कहा गया था कि ये जो मुलुंड का जो ये सिग्नल है, सोनापुर सिग्नल, यहाँ से डायरेक्ट गोरेगांव के लिए रोड बनने वाला है। एयरपोर्ट जो है 10 मिनट की दूरी पे होगा, यानी बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतर के आप 10 मिनट में यहाँ आ सकते हो अपने ऑफिस में। मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड बनना है, ये 40 साल पहले का प्रपोज्ड रोड है जो अभी बनने जा रहा है 2024 में। तो अब बारी बारी हम ये सारे इन्वेस्टरों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ये पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PNR न्यूज में। हम अभी आए हैं मुलुंड पश्चिम LBS मार्ग, जहाँ पे निर्मल लाइफस्टाइल जो ये बिल्डिंग है, निर्मल लाइफस्टाइल ग्रुप जो है, निर्मल ग्रुप, उनका डिस्कवरी का ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2010 में इसका बुकिंग चालू किया गया था, और 2014 में पोजीशन का वायदा था। आज तकरीबन 14 साल हो गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। हम ये सारे इन्वेस्टरों से बात करेंगे, कब इन्होंने बुक किया था, क्या है, पूरी डिटेल हम जान के लेंगे। तो सर ये कभी बुकिंग शुरू हुआ था इस प्रोजेक्ट का? हमने ये अक्टूबर 2011 में बुकिंग किया था। अच्छा। और हमें बताया गया था कि लाइक दिसंबर 2014 में आपको पोजीशन मिलेगा, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आधा बिल्डिंग बना के उसने छोड़ दिया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन करते तो कोई उठाता नहीं है। ये पोजीशन है, हम तो इससे थक गए। कोई BMC या रेरा ये लोग इसमें इंटरवीन करे और इसका प्रोजेक्ट का थोड़ा देखे कि जल्दी कंप्लीट करके हमें दे दे। ये इंतज़ार बहुत बड़ा और लंबा हो रहा है, इस तरीके हमारा पोजीशन। सर ये प्रोजेक्ट जो आपने जब भी बुकिंग किया, तभी जो आपने ये प्रोजेक्ट दिखा था, तो आपको क्या क्या प्रॉमिस किया गया था? हमें प्रॉमिस किया था कि 10 माले तक का पार्किंग होगा, 11 माले पे क्लब हाउस और मीटिंग रूम्स ये सब होगा, और 12 माले से लेके 30 माले तक पूरा ऑफिसेज रहेगा। पर अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, टेंडर बना के 12-15 माला बना के इसने छोड़ दिया है, आगे इसने कुछ किया नहीं। ये प्रॉमिस किया था कि बहुत अच्छा ऑफिस होगा, अच्छी बिल्डिंग होगी, और इसमें लाइट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नेचुरल लाइट होगा, इस तरीके का सारे प्रॉमिस और वायदे किए थे, और एकदम 5 star प्रॉपर्टी जैसा होगा ये बोला था। पर ये इस तरीके का अभी ये पोजीशन है, आप देख सकते हो पीछे क्या है। जो आपको वायदा किया था वो जरा आप हमें दिखा सकते हैं, वो जो ब्रोशर जो वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, पेपर ले लीजिए, पूरा खोल के कैमरे के सामने दिखाइए। ये देखिए, इस तरीके का बिल्डिंग हमें बोला था बनेगा, और एकदम 5 star first class बनेगा। लेकिन आप देख लो, ये ऐसा दिखाया, और ये देख लो अभी।
ये 33 माला बनाने का बोला था ना, कितना हाँ, माले थे जी जी ऑफिस के 33 फ्लोर 33 पहले पार्किंग ये पार्किंग है जी जी 10 माले तक का पार्किंग फिर क्लब हाउस उसके बाद 33 फ्लोर और ऊपर भी ये यानी 33-31 ऐसे ये रखा गया इस तरीके से डिजाइन पूरा कांच का बिल्डिंग बनेगा जी 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 अच्छा तो ये अभी तक यहाँ तक ही बन पाया है ना बस पार्किंग क्लब हाउस और 8 माला जी जी पर खाली ढांचा इधर तक ही बना है दोस्तों ये आधा ही बिल्डिंग बना है आज 14 साल हो गया ये खंडर पड़ा है जो बिल्डिंग आप देख रहे पीछे यही वो बिल्डिंग है डिस्कवरी जो ये वायदा किया गया था इस तरह दिखेगी और कुछ फोटो है इसके और कुछ जी जी आपको दिखाते हैं हाँ, हाँ, ये ब्रोशर है देखिए डिस्कवरी का जो मैं जरा क्लोजअप करके दिखाता हूँ आपको ये डिस्कवरी का ब्रोशर है ये इस तरह दिख रहा है हाँ ये डिस्कवरी चैनल में भी पार्टनर थे इसके लिए ये डिस्कवरी नाम रखा अच्छा डिस्कवरी चैनल इसमें पार्टनर थी ऐसा बताया गया था हमें मालूम नहीं था पर उनका नाम है अच्छा उनका लोगो भी इस्तेमाल किया है दोस्तों यहाँ डिस्कवरी चैनल जो है जो आप टीवी पे देखते हैं डिस्कवरी चैनल उसका लोगो भी यहाँ है इस प्रोजेक्ट में इसका अभी सही में पार्टनरशिप है या नहीं ये भी सबको डाउट है ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो सर आप लोग जो इन्वेस्ट किए तो कितना स्क्वायर फीट की यहाँ पे जगह है मिनिमम टू मैक्सिमम ये करीबन 450 कारपेट से शुरू होता है पूरा फ्लोर तक वैसा है जिसने जैसे जैसा किया इस तरीके से है पर ये खाली कुछ बनाया नहीं है तो ढांचा बना के छोड़ दिया अंदर किस तरीके से क्या किया है कुछ आइडिया नहीं कुछ बोलता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है ये सब है तो इसका थोड़ा सा कुछ करना होगा रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसके ऊपर कोई नया कोई आए पार्टी या बनाए या रेगुलेटर्स को हाथ में लेके कुछ करे तो थोड़ा अच्छा होगा इस तरीके का लोगों को बुला के ये गाजर लिटरली दिखाया और हमको आपने ऐसा टमाटर थमाया इस तरीके से बात किया है ये सब देखो लोग ऐसा है आपके साथ एक माले पे कितनी ऑफिसेज है एक माले पे तो अराउंड 20 ऑफिसेज है मतलब 33 फ्लोर और 20 ऑफिस एक माला मतलब 660 ऑफिस यहाँ बनने वाली थी 660 ऑफिस बनने वाली थी इसमें से एज पर आवर इंफॉर्मेशन अभी 220 ऑफिस बिके हुए हैं एंड बाकी के ऑफिस ऐसे ही अभी तक बिके यानी 220 लोगों ने ऑफिस परचेस किया है यानी आज हम उनको इन्वेस्टर बोलेंगे बराबर हाँ तो सबने फुल पेमेंट किया है या हाफ किया है या 80% 70% कैसे इसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90% लोगों ने तो 60% पेमेंट किया हुआ है 60-70% अच्छा कोई कोई लोगों ने 100% भी पेमेंट किया हुआ है अच्छा तो पेमेंट टर्म्स हर एक का अलग अलग है बट मिनिमम 60-90% ऐसा पेमेंट हुआ है और बिल्डिंग देखेंगे तो आप अभी वो कुछ भी नहीं हुआ है करके हम लोगों ने ये हम लोग भी NRI थे हम लोगों ने अब्रॉड से इंडिया आते थे मैं सोचा था कि जब भी हम इंडिया आएंगे तो कुछ बिजनेस करेंगे ये हिसाब से वो ऑफिस बुक किया था अभी हमारा मतलब 15 साल हो गए 2010 से 14 साल हो गए अभी तो कुछ नहीं हमारी तो आधी उम्र गई मैं जितने बाहर पैसा कमाया था वो इधर आके वेस्ट हो गया अभी कोई कोई तो लोग इसमें ऐसे ही है उनकी उम्र अभी 70-75 साल है तो उन्होंने क्या होप उनको कुछ होप भी नहीं है तो हमें ये लगता है कि कोई ना कोई नया बिल्डर या कोई तो कुछ दूसरा कुछ अल्टरनेटिव सोच के ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए और हमारे जो भी सपना है या जो भी एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट हो जाए कुछ लोगों ने तो यहाँ पे जो बुकिंग किया था उसमें तो 3-4 मेंबर ऐसे हैं जहाँ की जिनकी इन्फॉर्मेशन है वो बेचारे तो अभी हो गए अभी तो वो इंतजार करके थक गए और बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो भी वो ग्रुप में बात होती है ये होगा वो होगा पर ये कुछ नहीं होता फूसी हो जाता है हमेशा इसका तो इसमें कोई बराबर से ध्यान देते थोड़ा मरेरा वगैरह लोग देखे और जो भी लोग ऑफिशियली इसमें कनेक्टेड रहते हैं उसमें थोड़ा वो देख के इसको कंप्लीट करे तो अच्छा होगा बाकी हमारे पास अभी कोई रास्ता बचा नहीं कोर्ट कचहरी में से तो इनके ऊपर तो केस ही चालू है सारे वो सब चलते ही रहता है और जवाब में सब कुछ है ही नहीं और यहाँ पर कुछ काम हो ही नहीं रहा है वैसा है अभी इन्वेस्टर जो सर ने बताया 220 इन्वेस्टर है जिन्होंने परचेस किया है तो सबका मिला के टोटल अमाउंट क्या बन रहा है टोटल
टोटल अमाउंट और इंफॉर्मेशन अराउंड 100 करोड़ अमाउंट हो रहा है जो इन्वेस्टर ने उनको पे किया हुआ है। और हम लोग 40 लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया है, हमारा अमाउंट अराउंड 20 करोड़ हो रहा है करके। बाकी के जो 160 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किधर है, कुछ पता नहीं है लोगों को, लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। एंड लोग सोच रहे हैं कि ये बिल्डिंग हो जाएगा, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एसोसिएशन आपने क्या नाम से बनाया है? उन्होंने निर्मल लाइफ स्टाइल बायर्स डिस्कवरी बायर्स एसोसिएशन के नाम से बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने पैसा दे दिया, फिर भी ये बिल्डिंग बन नहीं रही है, आधी ही बनी है। और कई लोगों ने 100% पेमेंट किया, कई लोगों ने 80%, कई लोगों ने 70%। और जैसे सर ने बताया कुछ लोग तो ऑफ हो गए हैं इस आश में कि उनकी ऑफिस बनेगी, कुछ लोग तो दुनिया छोड़ के चल बस रहे हैं। और दोस्तों 100 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, लोगों ने अपनी बिजनेस के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे ऑफिस लिया था। सर जैसे कह रहे हैं कि वो तो अब्रॉड में थे, वो यहाँ आके बिजनेस करना चाहते थे इसलिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अभी तक तो उनको वो जगह नहीं मिल रही है। क्या रोशनी डालेंगे सर आप? DW में आप लोग ने केस डाला था, हाँ तो हमने बोला 50 करोड़ में हमारा ऑफिस दे दो, तो बिल्डर बोलते हैं धर्मेश जैन कि 150 लोग का पैसा आएगा तुम्हारा बनाएंगे। तो हमारे से उसने 1 करोड़ तो हमारे सब मेंबर से लिया हुआ है, वो 150 करोड़ इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? 40 आदमी का तो हमारा बेड होगा। अच्छा, यानी 100 करोड़ तो आप लोग ने दे चुका है और 150 इन्वेस्टर दूसरे आएंगे तब वो बना पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि 150 लोग जो हम इन्वेस्टर हमको पैसा देंगे तो हम बनाएंगे। यानी और दूसरे 150 इन्वेस्टर आने चाहिए, बाकी हमारे 40 लोगों से तो 1 करोड़ उसने दे चुका हुआ। अच्छा अच्छा, हमने रेरा में केस भी डाला था। हाँ हाँ, तो रेरा भी हमारे फेवर में दिए थे, बोलते हैं नहीं 10-10 लाख दे, 10 लाख में हमको ऑफिस का मिलने वाला। हाँ बराबर, तो हमको रेरा में क्या बोला था, 10 लाख आपको रिटर्न देंगे, 10 लाख देंगे, मतलब हमारे 1 करोड़ उसके ऊपर निकल जाएगा। हाँ, तो बोला हम 10-10 लाख रुपया करके देंगे, 10-10 लाख रुपया करके थोड़ा थोड़ा करके आपको रिटर्न देंगे, ऐसा रेरा में कहा था। अच्छा, वो भी चेक बाउंस हुए। दोस्तों रेरा का जो आदेश था कि वापस देना है पैसा, वो भी चेक बाउंस हो गए, तो चेक बाउंस के भी केस आपने किए होंगे? नहीं, मैंने डाला नहीं चेक। अच्छा, मैं उसको बोला कि भाई हम 10 लाख महीने का नहीं दे सकते, क्योंकि हमको 10 लाख में कहीं ऑफिस मिलेगा नहीं। बराबर है, बराबर। आज हम 60,000 रुपया दूसरे ऑफिस के लिए भर रहे हैं रेंट पे। अच्छा, मेरा 60,000 हर महीने जा रहा है। दोस्तों देखिए, अंकल ने यहाँ ऑफिस परचेस किया है, 14 साल हो गया नहीं मिल रहा है, तो उनको भाड़े पे ऑफिस लेना पड़ रहा है जिसका भाड़ा हर महीने 60,000 रुपया जा रहा है, तो ये बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। और सर आप क्या कहेंगे? मैंने बुकिंग किया था 2012 में, हाँ, और तभी था 7-8 महीने तक काम हुआ था, और अभी हुआ है खाली 9 फ्लोर हुआ है, अभी पता नहीं है कब होने वाला है, सब लोग परेशान है। UW वाले केस नहीं ले रहा है, हमारा FIR नहीं कर रहा है अभी तक, हमें सपोर्ट है गवर्नमेंट से भी कि जल्दी से जल्दी कुछ करे, FIR करे और धर्मेंद्र जैन को ठिकाने लगाए बराबर से। भविष्य मालिक किसका था? सर आपने जो ऑफिस बुक किया है वो कितने माले पे था? हमारा ऑफिस 2200 माले पे है, और हम लोगों ने 4 लोगों ने ग्रुप में ये ऑफिस बुक किया था, कोई सिंगापुर से थे, कोई दुबई से थे, मतलब बहुत सारे NRI इन्वेस्टर ने अपने ऑफिस बुक किए हुए हैं। 22 माला मतलब ये 10 माला पार्किंग प्लस बाइक माला, ये 22 माला मतलब 22। हाँ, 22 माला मतलब ये ये कुछ 9 माला का पार्किंग है, उसके ऊपर 22 फ्लोर। हाँ, यानी अभी तक तो वो बना भी नहीं है। अभी तो 9 माले तक का खाली ढांचा बना हुआ है, एंड आगे क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है। दोस्तों देखिए, इनका ऑफिस जो है हवा में लटक रहा है,
2200 माले पे इन्होंने बुक किया था, अभी 9 माला ही बना है, वो भी ढांचा है, पिलर्स है, अभी तक ये पूरी तरह बना नहीं है, तो ये कब अभी इनको मिलेगा और ऊपर माले बनेंगे उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद लोगों को मिलेगा, तो ये काम भी कब चालू होगा, ये भी इन लोगों का एक प्रश्न है। दोस्तों, लोग अपनी मेहनत की कमाई को बिजनेस में लगाने के लिए ऑफिस परचेस करते हैं, घर परचेस करते हैं, अच्छे से रहने के लिए छोटे रूम से बड़े रूम में जाने के लिए बड़ी जगह बुक करते हैं, लेकिन ये निर्मल लाइफस्टाइल बिल्डर जो है इसका कुख्यात नाम हो गया है, जो पैसे लेने के बाद भी लोगों को सालों तक ना घर देता है ना ऑफिस देता है। इसके पहले भी आपने देखा है कि 1 साल से ये सारी प्रॉपर्टी बैंक ने कब्जा की हुई है, उन्हें लोन नहीं भरा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी जब्त की हुई है बैंक ने, और नीलामी भी किया लेकिन कोई नीलामी में आ नहीं रहा है। पीछे रेसिडेंस बिल्डिंग जो है उन्होंने भी ईओडब्ल्यू में केस किया था, जिसकी वजह से धर्मेश जैन और राजीव जैन इन दोनों को 3 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। वो लोग जैसे तैसे पैसा जमा करके दूसरे बिल्डरों ने उनको साथ दिया, उनके बिल्डर एसोसिएशन लोगों ने साथ दिया, सुनने में आ रहा है कि मैराथन बिल्डर ने उनको सपोर्ट किया जेल से बाहर आने के लिए, कुछ पैसे दिए, कुछ लोगों के काम शुरू किए, फिर वापस वही काम ठप हो गया। और ये जो डिस्कवरी बिल्डिंग, ये ऑफिस की बिल्डिंग है, ये तो लोगों ने इस बिजनेस के लिए पैसे लगाए हैं और 100 करोड़ पैसे दे चुके हैं लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासन सरकार इसके ऊपर सीरियसली लेवे और इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के इन इन्वेस्टरों का भला करे, इन्वेस्टरों की मदद करे। धन्यवाद दोस्तों। ये निर्मल ग्रुप का डिस्कवरी प्रोजेक्ट के बारे में हमने निर्मल ग्रुप के चेयरमैन धर्मेश जैन का भी पक्ष रखने के लिए उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, तब धर्मेश जैन खुद सामने नहीं आके राजीव सुरेश जैन और चंद्रकांत शाह को भेजा मीटिंग करने के लिए, तब उनको ये मैंने सारे सवाल किए कि आज 15 साल हो गया 2009 से आपने जो प्रोजेक्ट चालू किया है, आपने आधा अधूरा छोड़ दिया है, ये प्रोजेक्ट आप क्या करने वाले हैं, ये कब पूरा होगा? तब जवाब में राजीव सुरेश जैन ने कहा, जिस तरह जिरकॉन और अमेरिस्ट का प्रोजेक्ट हमने फिर से शुरू किया है और टप्पे टप्पे में काम हो रहा है, उसी तरह हम ये डिस्कवरी ऑफिसेस का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, और जबकि ये सारे इन्वेस्टर आपके पास आए हैं, तो आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से हम आपको गुजारिश करते हैं कि आप इनकी मीटिंग कराइए हमसे, एक मध्यस्थी, आप एक सेतु बन करके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार है, आप हमारी उनसे मीटिंग करा दीजिए, आप मध्यस्थी। तो ये पूरा न्यूज आपने देखा, ये पूरा किस्सा आपने देखा, दोनों पक्ष की बातें मैंने आपके सामने रखी है। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टरों ने क्या करना चाहिए, बिल्डर ने क्या करना चाहिए और इसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, कमेंट में आप जरूर बताएं, आपकी राय जरूर दे, और भी कोई लोग अगर इसमें पीड़ित है, ये निर्मल ग्रुप या तो कोई भी दूसरे बिल्डर का या और भी कोई भी आपको परेशानी है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपकी मदद करेंगे। मेरा नंबर दिया हुआ है 8779256212।